नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। आज की वीडियो में मैं आपको तीन ऐसे कॉइन के बारे में बताऊंगा जिस पे अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको इन फ्यूचर अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है, और इसके पीछे का रीजन क्या है वो भी मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा, क्यों आपको इस क्रिप्टो करेंसी में, तीन क्रिप्टो कॉइन्स में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए और फ्यूचर में आपको कैसे अच्छा सा प्रॉफिट होगा, ये भी मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि इथेरियम 2.0 लॉन्च होने वाला है 15 सितंबर के आसपास, जो उसका मेन नेट है वो यहाँ पे लॉन्च होने वाला है। टेस्ट नेट जो होता है, जो मेन लॉन्च से पहले जो टेस्टिंग होती है उसको हम कहते हैं टेस्ट नेट। वो ऑलरेडी यहाँ पे ट्राई कर दिया है इथेरियम ने, आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ ऐसे ऐसी न्यूज़ आपको देखने को मिली होगी। और उसके बाद जो उसके सीईओ है इथेरियम के, उसके बाद वो कहते हैं कि यहाँ पे 15 सितंबर के आसपास यहाँ पे जो इथेरियम का मेन नेट है यानी कि 2.0 है वो यहाँ पे लॉन्च हो जाएगा। तो इथेरियम जब जैसे लॉन्च होगा तो यहाँ पे जो ट्रायलेमा होता है ब्लॉकचेन का, तीन चीज़ें होती है, एक होती है स्पीड, गैस फीस होगी, स्केलेबिलिटी होगी, सिक्योरिटी होगी। यहाँ पे इनमें इंप्रूवमेंट आपको इथेरियम में देखने को मिलेगी। और जाहिर सी बात है अगर इथेरियम की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम है इथेरियम में, काफ़ी लोग आज भी इथेरियम को ट्रस्ट करते हैं। और जैसे ही इथेरियम यहाँ पे गैस फीस ये सब इश्यू को यहाँ पे रिसॉल्व कर देता है तो आपको अच्छा खासा पंप इथेरियम में देखने को मिल रहा होगा। ऑलरेडी आपने देखा होगा कि अगर पिछले महीने की अगर बात करूँ इथेरियम हमको यहाँ पे $900 के आसपास भी देखने को मिला। काफ़ी बार मैंने आपको कहा है कि बहुत सस्ते में आपको इथेरियम मिल रहा है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे एक्युमुलेट करना चाहिए। और अगर आपने किया होगा तो आज की डेट की अगर बात करें तो $2,000 के आसपास इथेरियम फिर से एक बार यहाँ पे जा चुका है। लगभग यहाँ पे आपका 100% यानी कि आपका पैसा यहाँ पे डबल ऑलरेडी हो चुका है। तो इसके चलते क्या हुआ कि कुछ तीन कॉइन्स ऐसे हैं जिसके बारे में मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, उसमें भी अच्छा खासा हम पंप देख सकते हैं। सबसे पहले मैं इथेरियम 2.0 की बात करूं तो इथेरियम ने अपने आप को शिफ्ट किया है प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक। तो यहाँ पे अगर आपने वैलिडेटर बनना है तो आपको यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है बड़ी बड़ी आपको मशीनरीज खरीदने के लिए यहाँ, क्योंकि इथेरियम में अब माइनिंग नहीं हो पाएगी, आप यहाँ पे इथेरियम को माइन नहीं कर सकते हो। अगर आपने वैलिडेटर बनना है तो कम से कम आपको 33 इथेरियम आपके अकाउंट में होने चाहिए, तभी आप उनको स्टे कर सकते हो और वहाँ पे वैलिडेटर यहाँ पे बन सकते हो। तो जाहिर सी बात है सभी के पास, हर किसी के पास, जैसे हमारे जैसे इन्वेस्टर्स जो होते हैं, जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं, तो उनके पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो 33 इथेरियम को यहाँ पे खरीदें और यहाँ पे वैलिडेटर बन जाएं। तो यहाँ पे क्या होगा कि पहला कॉइन जो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, लिडो फाइनेंस की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आप बेसिकली क्या करते हो, इथेरियम को यहाँ पे स्टेक करते हो और बदले में आपको यहाँ पे स्टेक्ड इथेरियम यहाँ पे मिलते हैं, इथेरियम यहाँ पे मिलते हैं। और उस वजह से क्या होगा कि आप देख पाओगे कि अगर हम आज की भी डेट की अगर बात करें लिडो डाओ की, तो यहाँ पे काफ़ी सारे यहाँ पे वॉल्यूम की अगर बात करें तो कम से कम 200% का यहाँ पे वॉल्यूम यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। काफ़ी लोग अपने इथेरियम को यहाँ पे स्टेक कर रहे हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे इथेरियम बना सके और अल्टीमेटली वो भी यहाँ पे वैलिडेटर बन सके। तो लिडो डाओ की अगर बात करूँ तो इसके प्राइस में आपको अच्छा खासा पंप इन फ्यूचर देखने को मिलेगा, और जैसे यहाँ पे इथेरियम 2.0 लॉन्च होगा उसके बाद भी आपको अच्छा खासा पंप आपको इसमें कॉइन में देखने को मिलेगा। अगर आप क्यों प्रॉफिट बनाना चाहते हो तो आप इस कॉइन को कंसीडर कर सकते हो। एक बार फिर से मैं यहाँ पे बता दूँ, किसी भी तरीके की फाइनेंशियल एडवाइस मैं अपने चैनल पे नहीं देता हूँ, मैं वही आप लोगों को बताता हूँ जो मैं करता हूँ। तो डू योर ओन रिसर्च बिफोर इन्वेस्टिंग इन एनी काइंड ऑफ क्रिप्टो करेंसी, क्योंकि क्रिप्टो का अगर आपको पता होगा, अगर आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों में, कुछ महीनों में, तो क्रिप्टो एक हाईली वोलेटाइल मार्केट है। यहाँ पे आपका प्रॉफिट भी हो सकता है, यहाँ पे आपका लॉस भी हो सकता है। तो पहला कॉइन यहाँ पे मैंने आपको लिडो डाओ के बारे में बता दिया। अब हम बात करेंगे दूसरे कॉइन के बारे में जिसमें अच्छा खासा प्रॉफिट आपको यहाँ पे हो सकता है। तो इसके बारे में काफ़ी बार मैंने अपने जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उसमें मैं अक्सर यहाँ पे बताता रहता हूँ लोगों को कि यहाँ पे इथेरियम क्लासिक की अगर बात करें तो इथेरियम 2.0 जैसे लॉन्च हो गया है तो यहाँ पे इथेरियम को आप माइन नहीं कर सकते हो। तो काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने यहाँ पे बड़े बड़े माइनर्स खरीद के रखे हुए हैं इथेरियम को माइन करने के लिए, तो अल्टीमेटली अगर वो इथेरियम को माइन नहीं कर पाएंगे तो वो शिफ्ट करेंगे किसी और कॉइन में या किसी और टोकन में। तो वो आपने देखा होगा रिसेंटली एक न्यूज़ भी आपको यहाँ पे मैंने अपडेट की थी कि काफ़ी सारे जो माइनर हैं वो अल्टीमेटली यहाँ पे इथेरियम क्लासिक को यहाँ पे माइन कर रहे हैं, जिसकी वजह से इथेरियम क्लासिक की अगर बात करें तो पिछले कुछ महीनों में यहाँ पे 200% का यहाँ पे प्राइस में पंप आपको देखने को मिला है और ये इन फ्यूचर आपको बढ़ता हुआ ही यहाँ पे दिखेगा। तो अच्छा खासा प्रॉफिट आपको यहाँ पे भी हो सकता है, इथेरियम क्लासिक को भी आप कंसीडर कर सकते हो अपने पोर्टफोलियो में। मैं ये आपको ऐसे कॉइन्स बता रहा हूँ जिसको आप अगर लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हो तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। यहाँ पे किसी भी तरीके का सिग्नल्स मैं आपको यहाँ पे नहीं देख रहा हूँ। सिग्नल अगर आप चाहते हो कि आपको सिग्नल मिले तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जा सकते हो,
वहाँ पे आपको डिफरेंट काइंड के सिग्नल्स हम प्रोवाइड करते हैं बिल्कुल फ्री। तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ पे जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। और तीसरा कॉइन जिसके बारे में मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, जिसका नाम है ऑप्टिमम। ऑप्टिमम की अगर मैं बात करूँ तो इस पर डिटेल में वीडियो मैंने बनाई है कैसे ये काम करता है, सब कुछ यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो यहाँ पे ओपी टोकन की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले आपने इस वीडियो को वॉच करना है ताकि आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि ओपी यहाँ पे काम कैसे करता है, कैसे ये इथेरियम के मेन नेट को यूज़ करता है और उसको बंडल ऑफ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे भेजता है। तो आई बिलीव कि ये तीन टोकन्स, तीन कॉइन्स ऐसे हैं जिसमें अच्छा खासा प्रॉफिट आपको हो सकता है। इथेरियम का मर्ज जैसे सक्सेसफुल होता है, इथेरियम 2.0 जैसे लॉन्च होता है, और उसके बाद आप इन तीन कॉइन में अच्छा खासा प्रॉफिट आप देखोगे, अच्छा खासा इसके प्राइस में भी पंप आपको देखने को मिलेगा। तो अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप लाइक करें, और यहाँ पे अगर कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेशन में ज़रूर पूछेगा। मेरी कोशिश यही होगी कि जल्दी से जल्दी आपका लोगों का यहाँ पर रिप्लाई करूँ। और ब्रेव को लेके काफ़ी सारे डाउट्स यहाँ पे आ रहे हैं, काफ़ी सारों के लोगों को यहाँ पे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि यो इंडिया में एरर जो हमको शो हो रहा है उसके बारे में क्या अपडेट है। तो उसके बारे में भी यहाँ पे एक अपडेट है, उसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, उसके ऊपर मैं वीडियो लाने की कोशिश करूँगा, और आपकी जितनी भी यहाँ पे डाउट्स होंगे वो यहाँ पे मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गाइस, टेक केयर।